आप लोगों के लिए आज एक शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मटर आलू और ऐसे व्हाइट पीस रेसिपी, जो आप लोग आसानी से झटपट घर पे बना लेंगे। और उसका साथ साथ भी मैं एक इंटरेस्टिंग पराठा का रेसिपी लेकर आई हूँ। देखिए ये पराठा के सारे लेयर खुलकर सामने आ जाते, फिर आइए इसे हम शुरू करेंगे। हाय एवरीवन, नमस्कार। मामीज किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। पहले मैंने 200 ग्राम जो ड्राई मटर, हमें इसे 200 ग्राम ली, उसे हम रात भर 6-7 घंटे के लिए हम ओवरनाइट छोड़ दी थी। फिर हम सुबह इसे साफ कर ली। और उसका साथ साथ हम एक इसमें आलू डालेंगे, जो आलू हम साफ कर ली उसे हम आधा दो पीस काट कर लेंगे। फिर हमें वही कटोरे में, जो कटोरे में हम मटर रही थे, वही कटोरे में 1.5 कटोर पानी इसमें डाल लेंगे। स्वाद अनुसार नमक हल्दी डालकर 2 सीटी हने तक हम छोड़ देंगे। तब तक के लिए आइए हम एक बाउल में जितना पराठा बनाएंगे वही सब से आटा ले, थोड़ा नमक डालते हुए हमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर हमें एक नॉर्मल रोटी जैसे हम ऐसे डो बना लेंगे। देखिए ऐसे हम जैसे रोटी बनाते ऐसे हम एक डो बना ली, और थोड़ा सॉफ्ट भी बनाया हमें डो बनाकर इसे साइड में छोड़ देंगे। आइए देखिए हमें हवा निकल कर देखे तो हमारा जो मटर आलू परफेक्ट पक चुके। इसे हम 2 सीटी करने, ज़्यादा सीटी दोगे तो आपका मटर ज़्यादा गल जाएगी, फिर अच्छा नहीं बनता है। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे, थोड़ी सी जीरा इसमें हम डालकर थोड़ा भून लें। फिर हम 2 इलायच, छोटी इलायच, आधा इंच दालचीनी, 2 तेज़पत्ता ऐसे हम डालकर थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फिर एक बारीक कटा हुआ प्याज उसमें हम डालकर थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए हमें इसे फ्राई कर लेंगे। ये झटपट बनकर रेडी हो जाए। फिर हमें 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालकर थोड़ा भून लेंगे। इसे हम लो मीडियम आंच पर, अभी रेड चिल्ली पाउडर डाले तो लो मीडियम आंच पर इसे भूने। फिर हम बारीक कटा हुआ टमाटर इसमें डाल लेंगे, और जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक के लिए इसे हम मीडियम आंच पे इसे कुक कर लेंगे। फिर इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट इसमें हम डालकर अच्छा से भूने। देखिए हमारा मसाला थोड़ी ड्राई हो चुकी, इसे हम 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर इसमें डाल लेंगे, और थोड़ा 1/2 कप पानी डालकर इसे हम ड्राई होने तक हमें इसे पका लेंगे। हमें इसे खुले में मसाला फ्राई करेंगे, और ये हमारा जो मटर आलू झटपट बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए हमारा मसाला भी थोड़ी ड्राई हो चुकी। हमें जो आलू पीस इसमें बॉयल कर ली थी उसे हम डालकर थोड़ा हमें इसे फ्राई कर लेंगे मसाला का साथ। और हमारे पास छोले मसाला होगा तो ले, नहीं तो गरम मसाला पाउडर इसे हम 1 टीस्पून डालकर इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फिर हम जो मटर बॉयल हुआ मटर और पानी के साथ इसे हम डालकर 2 सेकेंड के लिए हम कवर लगाकर मीडियम आंच पे इसे हम कुक कर लेंगे। देखिए हमारा मसाला का साथ, और 2 सेकंड हमें इसे कुक करेंगे तो हमारा मटर आलू का जो बनकर रेडी हो जाएगी। फिर हमें 2 सेकंड कवर कर लेंगे, लो मीडियम आंच पे इसे हम छोड़ देंगे। फिर आइए जो हम आटा गूंथ कर ली थी उसे हम निकल लेंगे। हमें ऐसे छोटी छोटी लोया 4-5 तोड़ लेंगे, फिर हमें ऐसे गोल गोल बना लेंगे। फिर हमें आटा का साथ सारे लोया को डाल लेंगे। फिर हमें एक एक लोया ऐसे रोटी जैसे हम बेल लेंगे। फिर एक रोटी का ऊपर हम थोड़ी ऑयल डालकर हमें ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। फिर एक का ऊपर एक ऐसे हमें 4-5 रोटियां डालकर हमें ऐसे लास्ट में
सूखे आटा डालकर हम इसे बेल लेंगे। सारे पांच रोटियां फिर हमें एक तवा का ऊपर रखकर हमें थाली के कोई भी प्लेट ऐसे डालकर आप अच्छा से गोल शेप दे दे। फिर हमें इसे किस ऐसे हम काट कर लेंगे। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, ये झटपट सारे पराठा हमारा बनकर रेडी हो जाएगी ऐसे बनाओगी तो। फिर हमें लो मीडियम आंच पे इसे हम थोड़ा उल्ट पलट करते हुए हमें इसे सेक लेंगे। फिर लास्ट में थोड़ा वेजिटेबल ऑयल डाले कि आप लोग चाहे तो बटर भी डालकर हमें कोई भी घी डालकर ऐसे सेक लेंगे। देखिए हमारे पराठा अभी बनकर रेडी हो चुके। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए कितने झटपट हमारा इंटरेस्टिंग पराठा का साथ मटर आलू बनकर रेडी हो चुके। और आप लोग ऐसे बनाओगे तो आपका मटर आलू अच्छा से टेस्टी बनकर रेडी हो जाए। फिर हम गर्मा गर्म सर्व कर ली। आप लोगों को कैसे लगी रेसिपी मुझे कमेंट में लिखे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। और फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग नई रेसिपी का साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।